मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, आपको मेरा वीडियोज़ कैसा लग रहा है ये भी कमेंट में बताना, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, मतलब पूजा वूजा सब कर लिया है मैंने, और अभी मैं कॉलेज निकलूँगी, क्योंकि पढ़ने नहीं जा रही हूँ, मतलब वहाँ पे क्लासेस तो नहीं हो रहा है हमारा, बस वही आईडी कार्ड कलेक्ट करना है मुझे, तो मैं अभी वही लेने जा रही हूँ, और फिर आके मुझे ऑनलाइन क्लास भी करना है। वैसे तो हो रहा है टाइम, और थोड़ी देर के बाद ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो बस वही। और हाँ गाइस, आज ना मैं आपको एक बहुत अच्छा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो आप आगे देख लेंगे क्या है वो रेसिपी। और हाँ, हो सके तो मैं कॉलेज का थोड़ा बहुत क्लिप्स ऐड कर लूँगी, हो सके तो पॉसिबल, होप सो मैं कर लूँ। आप भी देख लेंगे, मतलब थोड़ा बहुत मेरा कॉलेज का क्या कैसा है, क्यों ना शेयर करो, आप तो मेरे फैमिली है ना। तो बस आगे आगे देखिए मैं वीडियो में क्या करती हूँ। लिपशित आए थे, ये मिल गया हमारा आइडेंटिटी कार्ड, ये उसका मेरा, तो अभी हम घर चलेंगे, ये जाएगी मूवी देखने, एंजॉय। या चलो, सी यू इन द ट्यूशन। हाँ, ट्यूशन में मिलते हैं, हो सके तो आज ट्यूशन में भी सोच रहे हैं ब्लॉग कर लें। ठीक है ठीक है, डन, चलो। सो गाइज, आज मैं एक बहुत अच्छा डिश बनाने वाली हूँ, जो उड़ीसा में रहते हैं, स्पेशली पूरी में, तो वो लोग तो जानते ही होंगे, जो हमारे लॉर्ड जगन्नाथ है, उनका 56 भोग महाप्रसाद में से एक उनका वो फेवरेट डिश है, और उसका नाम है महुरा। तो मैं आज वो सेकंड टाइम बनाने वाली हूँ, वो मेरे मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगता था, सो वो मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मम्मी को बहुत मन था बहुत दिनों से कि वो खाएं, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मम्मी को मन है तो हम बना ही लेते हैं मम्मी के लिए, इतना तो बना सकते हैं हम, तो इसीलिए मैं बनाती हूँ। अगर आपको ये रेसिपी बहुत अच्छा लगा तो घर में ज़रूर ट्राई करना, और करने से ही तो पता चलेगा ना इसका टेस्ट। तो हम पूरा तो सेम नहीं मैं बना सकती, पर मैं ऑलमोस्ट ट्राई करूँगी उस, मतलब थोड़ा बहुत वैसा बनाने का। तो गाइस चलिए, तो उसके लिए हमें चाहिए ये वेजिटेबल्स, और ये चना, ये गुड़, और ये कच्चा बनाना, और ये मैंने भिगो के आधे घंटे के लिए धनिया, और तेजपत्ता, और जीरा, और ये ब्लैक पेपर भिगोया था, और ये है सरसों, और ये है जो वो क्या बोलते हैं दालचीनी, और ये है नारियल। तो चलिए शुरू करें। सो गाइस, अभी हम इस सब को मिक्सचर में ग्राइंड करके, मतलब ये सब मसालों को पीसेंगे अच्छे से एकदम से, फिर मैं तो गाइस मैं तो ये डालना ही भूल गई थी, तो इसको भी आप ऐड कर लेना इसके साथ। सो गाइस, मेरा प्रेशर कुकर गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं अभी डाल रही हूँ घी थोड़ा ज़्यादा करके, क्योंकि उससे ही टेस्ट आएगा हमें, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ घी। सो गाइस, आप ये मत सोचना कि मैंने पूरा डब्बा घी डाल दिया, उसमें आधा ही था, तो इसमें थोड़ा सा ही डाला है। तो जब घी गरम हो जाएगा फिर हम चेक कर लेंगे, फिर हम ये मसाला डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया है उसको, इसको आप हम इसको 40 to 50 सेकंड्स या 1 मिनट तक ऐसे मिक्स करेंगे, फिर इसको सारा मसाला डालने के बाद अच्छे से। सो गाइस, अब हम सारा वेजिटेबल्स इसमें डालेंगे, मैं यहाँ एक एक करके डाल रही हूँ। और गाइस, आपको पता होगा कि नहीं,
आपके यहाँ महूरा में हम कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो ये सब नहीं डालते थे, क्योंकि वो उस टाइम जगन्नाथ जी के टाइम में वो सब बाहर से आते थे, तो इसीलिए उस टाइम पे वो सब नहीं यूज़ होता। जो लोकल मार्केट में ये सब जो मैं अभी डाल रही हूँ वही मिलता था, तो उससे ही बनाया जाता था। सो गाइस अभी मैंने ऐड कर लिया इसमें चना, और फिर उसके साथ नमक भी डाल दिया है मैंने, और आप अपने हिसाब से नमक डाल लेना, मुझे तो अपने अंदाजे से हाथ से ही मैं डालती हूँ। सो गाइस नेक्स्ट मैंने यहाँ पे डाला हल्दी, और उसको हम अच्छे से अभी मिक्स करेंगे। सो गाइस अभी मैं डालने जा रही हूँ इसमें पानी, और इसको अच्छे से मैं अब बॉईल करने के लिए छोड़ दूंगी। तो जब ये ऐसे बॉईल होना स्टार्ट हो जाए तो हम प्रेशर दे देंगे इसको 10 मिनट्स तक, और सिम लो करके। सो गाइस आइए देखते हैं। तो ये देखिए मेरा वेजिटेबल कुक हो चुका है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ गुड जैगरी। तो इसको डाल के हम अपने हिसाब से, आप अपना मीठा जितना करना है या फिर ऐसे ही तीखा टाइप्स नॉर्मल करना है तो आप इसको करके मिक्स कर लेंगे, ताकि गुड मेल्ट होने तक हम इसको अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। सो गाइस अब हम इसमें नारियल डालेंगे, और जब ये पक जाए, मेल्ट हो जाए गुड, हम इसमें नारियल डाल के अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसको। सो गाइस मैंने इसको फ्राई किया हुआ बॉडी हमारा यहाँ पे बोलते हैं, मुझे एक्चुअली पता नहीं इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तो वो डालने से इतना अच्छा हो जाता है, और अच्छा हो जाता है टेस्ट, खाने का पूरा टेस्ट ही एकदम स्वाद। सो गाइस मैंने यहाँ गरम कर लिया है घी, और उसको छोंक लगाने के लिए सरसों डाल रही हूँ, ताकि जब तक ये ऐसे उबल ना जाए, उबल तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, वैसे सामने है तो टक टक वाला, वैसे तब तक ना आ जाए, तो फिर हम सो मैं इसमें डाल दूँगी। और गाइस मैं तो हींग डालना ही भूल गई इसमें, तो मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ ऊपर ऊपर से थोड़ा सा हींग, फिर उसको जल्दी से ढक के हम थोड़ा पका। तो मैंने प्लेट में निकाल दिया है, मम्मी गर्मा गर्म लो, टेस्ट करके बोलो कैसे लग रहा है। पापा तो खाएंगे, तुम्हारे लिए बनाया था, तुम पहले खाओ। अब मम्मी देगी रेटिंग, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कैसा है। अच्छा नहीं, नमक ठीक है, ठीक है, कैसा लगा? तो फिर कितना रेटिंग 5 में से? थोड़ा सा पकाओ, इसमें ग्रीन चिली थोड़ी ना डलता है, पर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। और 5 में से कितना मिलेगा? 5 में से 5। थैंक यू। सो गाइस अभी मैं ट्यूशन आ गई हूँ, और ये है मेरा ट्यूशन का रूम, और ये हमारी मैम। सो गाइस चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं, मैम ने स्टार्ट कर दिया है। सो गाइस आज हमारा यहाँ से शुरू हुआ, ये लिखाया, ये डायग्राम किया, ये देखिए ये सबसे मुश्किल वाला है। और अरे मैंने डी छोड़ दिया है, डी लिख दो। हाँ तो फिर यहाँ तक आज इतना पढ़ाया हमें। हाय महेश्वरी सर भी आए, हाय बोलो। अभी हमारा इकोनॉमिक्स क्लास था, और ये भी मेरे दोस्त हैं, और ये यहाँ बैठी है, ये मेरे पास बैठती है, और ये पीछे बैठती है। सो गाइज अभी मैं
ट्यूशन से आके सारा काम ख़त्म कर दिया, फ्रेश हो मतलब फ्रेश हो गई हूँ और अभी मैं बनाने जा रही हूँ कुछ रात का डिनर. यार ये डोर, हाँ तो रात का डिनर बनाने जा रही हूँ और चलिए मैं दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ. मैं यहाँ बनाने वाली हूँ ये जो बनेगा वो बनेगा. ये मैं क्या बनाने वाली हूँ मुझे भी नहीं पता. नहीं ये पनीर का रेसिपी है तो ऑफकोर्स मैं सोच रही हूँ पनीर चिली टाइप्स का बना लूँ. वैसे मुझे नहीं पता वो लास्ट को क्या बनेगा, पर मिलते हैं बनाने के बाद. मेरा पनीर चिल्ली रखने में यम्मी नहीं, खाने में भी होना चाहिए. मैं आपको दिखाती हूँ एक. सो गाइज ये देखिए पनीर चिल्ली आ रहा है ना मुँह में पानी एकदम से. किस किस को आया देख के कमेंट में ज़रूर बोलना. सो गाइज तो पनीर बना के मैं थोड़ी देर सो गई थी, मतलब ऐसे ही आग लग गया था. तो अभी मम्मी ने मुझे एक्चुअली उठाया डिनर करने के लिए. वही 9:30 हो रहा है. हम 9 से 9:30 तक डिनर कर लेते हैं. तो वही मम्मी ने उठाया डिनर करने के लिए. तो अभी मैं एक मिनट लाइट ऑन ही नहीं कर रही हूँ. एक मिनट यार मैं क्या कर रही हूँ. हाँ तो मम्मी ने अभी मुझे उठाया डिनर करने के लिए तो मैं व्लॉग एंड भी करना भूल गई थी. तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है. वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हाँ मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वो टिंग टिंग वाला बेल बटन भी क्लिक कर लेना ताकि मैं जब नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, सायोनारा.